राह का पत्थर चकनाचूर होना चाहिए, वार एक हो, भरपूर होना चाहिए। वो हार मान ले, इतना काफी नहीं, हमारे सामने मजबूर होना चाहिए। इन्हीं पंक्तियों से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप जहाँ कहीं भी होंगे स्वस्थ और खुशहाल होंगे। आज मैं किसी खास टॉपिक पर आपसे बात नहीं करने वाली हूँ। आज मैं बात करूँगी आपके डाउट्स के बारे में, उन सवालों के बारे में जो आप अक्सर मुझसे बार बार पूछते हैं। तो आज का वीडियो होने वाला है आपके सवाल और मेरे जवाब। तो बिना देर के शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो पहला सवाल है कि लाइफ पार्टनर हमारी रिस्पेक्ट नहीं करता, हमें प्यार नहीं करता। ये सवाल बहुत सारे हस्बैंड्स का भी होता है और वाइफ्स का भी होता है। तो आज मैं एक कॉमन आपको इसका आंसर दूंगी जिससे आपका डाउट क्लियर हो जाए। देखिए, एक बात समझ लीजिए, जो आप देते हैं वही आपको वापस मिलता है। अगर आप प्यार देंगे तो प्यार मिलेगा, इज्जत देंगे तो इज्जत मिलेगी, ईमानदारी से देंगे तो ईमानदारी से मिलेगी, और अगर ईमानदारी से नहीं देते हैं तो आपको कभी नहीं मिलेगी। इसको ऐसे समझ लीजिए कि आप एक वाइफ हैं और अपने हस्बैंड का खाना बनाती हैं, कपड़े धोती हैं और घर के और भी दूसरे काम करती हैं, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि फिर भी आपका हस्बैंड आपकी इज्जत नहीं करता। तो एक बात समझिए, सबसे पहले आप अपने एटीट्यूड को समझ लीजिए कि कहीं आप हस्बैंड का काम करते समय बड़बड़ाती तो नहीं है कि भाई मैं सारा दिन तुम्हारे घर का काम करती हूँ, सुबह उठ के तुम्हारे लिए खाना बनाती हूँ, या और भी तरह तरह से आप ताने देती हैं। अगर आप इस तरह से काम करती हैं तो आपका काम करा कराया बिल्कुल मिट्टी हो जाता है, और ऐसे में आपके हस्बैंड चाहकर भी ना तो आपकी इज्जत कर पाते हैं और ना ही आपको प्यार कर पाते हैं। और सेम फॉर्मूला हस्बैंड्स पर भी अप्लाई होता है। बहुत सारे हस्बैंड्स की भी आदत होती है कि वो अपनी पत्नियों के कामों में कमियां निकालते हैं, उन्हें तरह तरह से ताने भी देते हैं कि भाई मैं तुम्हारे लिए कमा रहा हूँ, मैं सुबह जाके शाम तक लौट कर आता हूँ, और भी तरह तरह से। तो देखिए, जब आप इस तरह की बातें करते हैं तो आपकी पत्नियों का मन खराब हो जाता है और वो भी चाहकर आपकी इज्जत नहीं कर पाती हैं। यहाँ पर एक छोटी सी बात समझ लीजिए कि देखिए, हस्बैंड होना या वाइफ होना कोई प्यार करने की या रिस्पेक्ट करने की एलिजिबिलिटी नहीं होती है। अगर आप अच्छा व्यवहार रखते हैं तो सामने वाला मजबूर होता है आपसे प्यार करने के लिए भी और आपकी रिस्पेक्ट करने के लिए भी। इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा, एंड आई होप कि आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अक्सर मुझसे पेरेंट्स पूछते हैं वो ग्रैंड पेरेंट्स को लेकर है कि ग्रैंड पेरेंट्स बच्चों को बिगाड़ रहे हैं, उनकी हर जायज नाजायज जरूरतों को पूरा करते हैं, जिसकी वजह से हम अपने बच्चों पर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं रख पाते। तो बताइए ऐसे में क्या किया जाए। देखिए, ग्रैंड पेरेंट्स वो लोग हैं जो अपने बच्चे बड़े कर चुके होते हैं। अब जब बच्चों के बच्चे सामने आते हैं तो वो ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं हो पाते और उन्हें हर चीज के लिए आजाद कर देते हैं। तो जब ज्यादा आजादी बच्चों को मिल जाती है तो बच्चे बिगड़ जाते हैं, और ग्रैंड पेरेंट्स को ये बात समझ में नहीं आती। अगर आप कुछ कहते हैं तो घर का माहौल खराब हो जाता है। तो यहाँ पर मैं सभी पेरेंट्स से एक बात कहना चाहूंगी कि अगर आपके घर में इस तरह की प्रॉब्लम है तो आपको अपने इन-लॉज के साथ बैठकर प्यार से डिस्कस कर लेना चाहिए। उनसे कहना चाहिए कि अगर हम किसी बात के लिए बच्चों को रोकते हैं या कंट्रोल करते हैं तो आपको उनका फेवर नहीं करना चाहिए, क्योंकि अक्सर होता है कि अगर मम्मी पापा ने किसी बात के लिए मना किया तो बच्चे तुरंत दौड़कर दादा दादी के पास चले जाते हैं। दादा दादी कहते हैं, अरे देख लेने दो, क्या फर्क पड़ता है, बच्चा ही तो है, समझ जाएगा। तो आपको इस तरह से बिल्कुल भी बच्चों का फेवर नहीं करना चाहिए, बल्कि बच्चों को ये समझाना चाहिए कि देखो मम्मी पापा इस समय जिस काम के लिए मना कर रहे हैं आपको उनकी बात माननी चाहिए। तो जब आप इस तरह से बात करते हैं कि अगर मम्मी ने रोका तो दादा दादी भी वही बात कह रहे हैं कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, तो ऐसे में जब बच्चों को दोनों तरह से समझाया जाता है, यानी मम्मी पापा अगर सख्ती करते हैं तो दादा दादी उसको प्यार से समझा देते हैं, तो बच्चे को किसी ना किसी तरीके से तो बात समझ में आ ही जाती है। और नतीजा क्या होता है कि ऐसे में किसी का मन खराब नहीं होता, ना तो मम्मी पापा का, ना दादा दादी का, और ना ही बच्चों का। और जब घर में इस तरह का माहौल होता है
तो मेरे ख्याल से बच्चों की परवरिश बहुत अच्छी होती है। आई होप आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अक्सर पेरेंट्स पूछते हैं वो ये कि हमारे बच्चे हमारी बात बिल्कुल नहीं सुनते। हमने प्यार से भी समझा के देख लिया, हमने डांट मार कर भी देख लिया, वो किसी तरह से भी हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। आप बताएं क्या करना चाहिए? देखिए, अगर आपका बच्चा आपकी बात नहीं सुनता है तो इसके पीछे दो रीजंस हैं। पहला, आपके बातचीत करने का तरीका सही नहीं है। दूसरा, आपके घर का माहौल सही नहीं है। इस पर मैं डिटेल वीडियो बना चुकी हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मैं छोड़ दूंगी, वहाँ से आप चेकआउट कर लीजिएगा। फिलहाल मैं इतना ही आपसे कहूँगी कि आप अपने बातचीत करने का तरीका अच्छा रखिए। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारी मदर्स की आदत होती है कि जब अपने बच्चे को बुलाएंगी या आवाज़ देंगी, एक बार आवाज़ दी कि बेटा आ जाओ, बेटे ने नहीं सुना, दोबारा आवाज़ दी कि बेटा जल्दी आ जाओ, बच्चे ने फिर भी नहीं सुना, तो तीसरी बार में उन्हें इतना गुस्सा आएगा कि वो जाकर उसको या तो मारने लगेंगी या 10 बातें सुनाने लगेंगी कि इतनी देर से मैं तुम्हें आवाज़ दे रही हूँ, तुम नहीं सुनोगे, अब तो मुझे तुम्हें मारना ही पड़ेगा। तो देखिए, जब आप इस तरह से बच्चे के साथ में बिहेव करती हैं तो बच्चा इरिटेट हो जाता है, चिढ़ जाता है, और जब बच्चा चिढ़ जाता है तो जानबूझकर वो आपकी बात को इग्नोर करता है। अब ऐसे में आपको करना क्या है? देखिए, अगर आप अपने बच्चे को आवाज़ देती हैं कि बेटा आ जाओ, बेटे ने 2-3 बार की आवाज़ में भी नहीं सुना, तो आपको क्या करना है? आप शांति से बिना गुस्सा किए उसके पास जाइए और उससे पूछिए कि बेटा मैंने तुम्हें 2-3 आवाज़ दी, तुमने सुना नहीं। तो बच्चा जो भी कहेगा आपसे कि मैं सुन नहीं पाया या मैं ये कर रहा था, तो आपका डाउट उसी समय क्लियर हो गया कि आपके बच्चे ने आपकी बात क्यों नहीं सुनी। इसके अलावा, अगर आपका बच्चा कहीं खेल रहा है और आप चाहते हैं कि बस अब वो खेल खत्म करके घर वापस आ जाए, आपने उसको आवाज़ दी और उसने नहीं सुना, या उसने कहा कि नहीं मम्मी अभी 10 मिनट और, 10 मिनट के बाद ही मैं आऊँगा, तो आपको क्या कहना है? आपको कहना है ठीक है, 10 मिनट का टाइम तुमने मांगा, मैंने तुमको 10 मिनट का टाइम दिया, ठीक 10 मिनट बाद तुम्हें घर वापस आ जाना है। तो ऐसे में क्या होगा कि बच्चा इस समझ जाएगा कि मम्मी ने मेरी बात मानी, मुझे 10 मिनट का टाइम दिया। अब नेक्स्ट टाइम जब आप बच्चे को आवाज़ देंगे तो बच्चा तुरंत आपकी बात मान के घर वापस आ जाएगा। तो जब आप इस तरह से बच्चों के साथ में बिहेव करते हैं तो बच्चे भी आपके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना सीख जाते हैं, वो भी बिना किसी लड़ाई झगड़े के और बहस के। तो इसलिए बच्चों से कभी भी चीखने चिल्लाने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। आई होप आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि मैम हमारे पेरेंट्स बहुत ही टॉक्सिक हैं और हमें बहुत ज़्यादा डांटते फटकारते हैं, जिसकी वजह से हमारा किसी भी काम में मन नहीं लगता है, हम क्या करें? देखिए, बच्चों को समझाना फिर भी आसान होता है, लेकिन बड़ों को समझाना बहुत मुश्किल होता है। जब बच्चे इस तरह के सवाल पूछते हैं तो बहुत बुरा लगता है। तो इस क्वेश्चन को मैंने इसीलिए इस वीडियो में इंक्लूड किया है ताकि मैं अपनी बात उन पेरेंट्स तक पहुंचा पाऊँ जो मुझे देख रहे हैं या मुझे सुन रहे हैं। देखिए, सभी पेरेंट्स अपने बच्चों का भला चाहते हैं और इसीलिए वो उन्हें रोकते हैं, टोकते हैं और समझाते हैं। कई बार उनके जो समझाने का तरीका होता है वो गलत होता है, इसलिए उनकी सही बात भी बच्चों को गलत लगती है और बच्चे अपने माता पिता को अपना दुश्मन समझने लगते हैं। इसीलिए सभी पेरेंट्स से मैं यही कहूँगी कि अपनी बातचीत करने का तरीका सही रखिए ताकि आप अपनी सही बात को सही तरीके से अपने बच्चों तक पहुंचा पाएं। यहाँ पर मैं सभी पेरेंट्स से एक बात कहूँगी कि आप अपने बच्चों में कभी भी कमियां मत ढूंढिए। कमियां निकालने के लिए तो पूरी दुनिया बैठी है। एज ए पेरेंट आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने बच्चों में खूबियां देखिए, उन्हें बढ़ाने की कोशिश कीजिए। एक बात और समझ लीजिए, देखिए अगर आपके बच्चे में कोई कमी है भी तो उस कमी को चुपचाप दूर करने की कोशिश कीजिए, ना कि उसे जता जता कर, उसे बता कर उसे डिप्रेस कीजिए। अगर आप ही अपने बच्चे को इतना डिप्रेस कर देंगे तो वो मन से इतना टूट जाएगा कि
ये कहीं भी खड़ा होने लायक नहीं बचेगा। आई होप आपको मेरी बात जरूर समझ आई होगी। इसके अलावा लास्ट क्वेश्चन जो बहुत पूछा जाता है वो ये कि अच्छी बहू कैसे बने और ससुराल में अपनी जगह कैसे बनाए। देखिए, अच्छी बहू बनने के लिए सबसे पहले अच्छी बेटी बनना जरूरी है। और अच्छी बेटी कौन होती है? अच्छी बेटी वो होती है जो शादी से पहले अपने माता पिता के घर में अब माता पिता का सम्मान करती है, उनकी मान मर्यादा का ख्याल रखती है और अच्छी बातों को अपने जीवन का हिस्सा बनाती है और शादी के बाद इन्हीं बातों को ससुराल में जाकर अप्लाई करती है। जब वो इस तरह का व्यवहार अपने ससुराल में करेगी तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि ससुराल में उसकी जगह ना बने। और एक बात याद रखिएगा कि जगह किसी इंसान की नहीं बनती है, जगह हमेशा सच्चाई की और अच्छाई की, अच्छे कामों की ही बनती है, फिर चाहे वो संसार के किसी भी कोने में हो। जो भी बेटियां या बहुएं मुझे सुन रही हैं, मैं उन सभी से एक बात कहना चाहूंगी कि अगर आप मान सम्मान और इज्जत चाहती हैं तो अपनी सच्चाई और अच्छाई को हमेशा बनाकर रखिएगा और अपनी मर्यादा को कभी भी मत लांघिएगा। इसी के साथ उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। चलते चलते आपसे बस इतना ही कहूँगी कि अगर जिंदगी में खुश रहना चाहते हैं तो दूसरों को नहीं खुद को बदलने की पूरी कोशिश कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।